की गर्मी दिखा जाए वो बोलना कहीं कर मोबाइल नहीं चढ़ क्यों साहब जांच होती है ना तो कहीं जरूरी थोड़ी है भैया कहीं जरूरी नहीं है भैया एक बार का फोन इनके हां ठीक बस तुम्हारा मैसेज बना के वीडियो बना के निकल जाएंगे वहां तो निकल जाओ वैसे भी निकल सकते हो हां बन गया आपका वीडियो बंद करो हां 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 बंद करो इसको ये मीडिया के माध्यम से ही जानकारी लगी थी हम लोगों को कि गुजरात के कक्ष में रतलाम का एक व्यक्ति नकली नोट के साथ पकड़ा गया है उसकी डिटेल निकाली हम लोगों ने तो पता चला कि वो व्यक्ति राहुल कसेरा नामक व्यक्ति है जो कि कसारा बाजार का रहने वाला है इसके बेसिस पर रतलाम पुलिस की टीम ने आज उसके घर पर दबिश दिया यहाँ भी तलाशी चल रहा है तलाशी के दौरान कई चीज़ें ऐसी मिली हैं जो संदिग्ध हैं अभी इसके घर में प्रथम दृष्टया जैसे हम लोगों ने देखा तो यहाँ पर एक प्रिंटर मिला है नोट काउंट करने की मशीन मिली है प्लस जो नंबरिंग होता है स्टैंप वो मिला है कार्ट्रिज मिले हैं इंक मिला है कुछ नकली नोट मिले हैं अभी नकली नोटों की संख्या ज़्यादा नहीं है हालांकि अभी तक सर्चिंग जारी है लेकिन इसके एविडेंस मिले हैं कि यहाँ पर वो नकली नोट प्रिंट करते थे तो यहाँ अभी हम लोग चार पाँच नोट मिले हैं अभी लेकिन अभी बता रहा हूँ मकान बहुत बड़ा है इनका सर्चिंग चल रही है हमारी टीम का 10 लोग लगे हैं यहाँ पर सर्चिंग कर रहे हैं तो इनकी संख्या बता पाना मुश्किल है लेकिन चार पाँच नोट मिले हैं नकली बाकी और जो नोट प्रिंट करने की चीज़ें हैं वो मिले हैं अपने पास कंप्यूटर में इनके पास सॉफ्ट स्कैन्स भी हैं प्रिंटर भी है और कार्ट्रिजेज भी हैं नंबर निकालने की मशीन भी है प्लस नोट काउंट करने की मशीन भी है इस तरह चीज़ें हमें मिली हैं सर गुजरात पुलिस से आपका कुछ संपर्क हो पाया है कुछ जानकारी मिल पाई है हमें भी कोई जानकारी नहीं मिली हमें जो भी जानकारी मिली वो मीडिया के माध्यम से मिली है लोकल मीडिया के लोगों ने ही बताया कि सर, इस तरह पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई करेगी एफआईआर हम लोग कार्रवाई करेंगे चूंकि इसमें नकली नोट हमें यहाँ मिले हैं और मशीन मिली है चीज़ें मिली हैं तो हम लोग इसको पृथक से मामला पंजीकृत करेंगे यहाँ पर और मामले का जो सोर्स है वो मीडिया ही है जो हमको ये जानकारी बताई कि इस तरह की कार्रवाई गुजरात नकली नोट सर 500 के 2000 के दोनों हैं 500 के भी हैं 2000 के भी हैं सर गोडाउन भी सर घर है इनके तो वहाँ पर सर्चिंग होगी और कुछ भी घर है इनके गोडाउन बने हुए वहाँ पर भी वहाँ भी पुलिस ने लगा रखा है हम लोग सर्च करेंगे उनका पूरे भी जितने भी इनके ठिकाने हैं परिवार के किसी सदस्य को उठाएंगे नहीं अभी अभी तो जो हम लोग प्रथम दृष्टया चीज़ें पता चल पाई हैं कि इनका मकान बिल्कुल ताला लगा हुआ था लॉक था इनका एक अलग सेपरेट पोर्शन है जिसमें ये रह रहे हैं अभी तक इनके परिजनों की तरफ से कोई ऐसा इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं आया है हालांकि इनकी आपस में बातचीत नहीं होना ऐसा बता रहे हैं ये लोग इनके फादर हैं इनके ब्रदर हैं क्योंकि इन लोगों के नॉलेज में नहीं था मकान बंद था इसमें पंचों के समक्ष मकान खोला गया है और इसमें कार्रवाई की गई है अभी तक तो उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं पाया गया है लेकिन अगर कोई भी ऐसा पाया जाता है तो जरूर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी परिजनों के खिलाफ भी